कहते हैं शब्दों की धार तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होती है। आज बात करेंगे एक ऐसे ही धारदार कवि की जो कहता था, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनकवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, स्पष्ट विचार, सीधा कथन, धारदार शब्द, ये सब कुछ मिलाकर बनाते हैं बाबा नागार्जुन। नागार्जुन की घुमक्कड़ी ने उन्हें कई सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ा। 1939 में वो स्वामी सहजानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने छपरा में किसानों के साथ मिलकर संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसके कारण हजारीबाग की उसी जेल में जहां कभी जयप्रकाश जी भी कारावास में थे उन्हें कारावास भुगतना पड़ा। इसके तुरंत बाद वो हिमालय और तिब्बत के जंगली इलाकों में घूमने के लिए निकल गए। प्रकृति प्रेम और अनवरत यात्राओं के बीच सामाजिक सरोकार की बेचैनी बाबा के मन से गई नहीं, बल्कि और दृढ़ता के साथ बनी रही। 1941 में जब बिहार और आसपास के पूरे क्षेत्र में किसानों की दुर्दशा के खिलाफ एक बड़ा किसान आंदोलन जोरों पर चला, तो नागार्जुन भी घर बार छोड़कर पूरी तरह इसी किसान आंदोलन से जुड़ गए। इसी किसान आंदोलन में दूसरे नेताओं के साथ बाबा नागार्जुन भी भागलपुर के जेल में बंद रहे। देखते देखते बाबा नागार्जुन जन सरोकार की बड़ी आवाज बन गए। वो कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में बुलाए जाने लगे। बाबा की कविताओं में ही सच बोलने का साहस नहीं था, ये साहस हर तरह की बात को सीधे सीधे कह देने का उनमें स्वयं था, चाहे वो राजनीति हो या स्वयं की कविता। बाबा नागार्जुन जीवन के हर पहलू में बेबाकी और सच्चाई का बोध लिए अपनी कविताओं के जरिए एक न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनते रहे। वो इतने सजग और संवेदनशील थे कि शासन प्रशासन की तरफ से उठने वाले हर गलत जनविरोधी कदम पर सीधे सीधे प्रहार करते। उनका कहना था कि उन्होंने जो जनता से लिया उसे कवि के रूप में जनता को वापस देना होगा। जनता से लेकर के जनता को वापस जी। स्वतंत्रता के बाद भारत के नवनिर्माण की उम्मीद जो लोगों की आंखों में झांकी थी वो सत्ताधीशों के अहंकार के कारण धुंधली होकर खोने सी लगी। संसद और सड़क के बीच एक गहरा विभेद आ गया, एक अंतर आ गया, एक खाई आ गई जो रोज बरोज लगातार चौड़ी और गहरी होती जा रही थी। ये किसी भी सामान्य भारतीय के लिए दुखदाई था। फिर बाबा तो जनवाद के स्तंभ थे, जनता की आवाज थे। एक समय पंडित नेहरू के समर्थक रहे बाबा नेहरू की नीतियों से इतने खिन, इतने कुपित हुए कि जनता की इस आवाज को उन्होंने शब्दों में ढालकर यहां तक लिख डाला कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं, अंग्रेजी अमरीकी जौकों की जमात में है शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। नागार्जुन बापू को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन कालांतर में गांधीवाद के कुछ ध्वजवाहकों के व्यवहार से बाबा को बहुत निराशा हुई। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, जल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। किसी भी पंथ विशेष से मोहभंग के बावजूद बाबा का संघर्ष जारी रहा। गरीबी, भूख, कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा नागार्जुन की कविताएं लगातार एक जायज सवाल और आवाज उठाती रही। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा, माल मिलेगा रेत सको यदि गला मजूर किसानों का, अमर भुक्को का क्या होगा चरण गहो श्रीमानों का। हर नए सत्ता परिवर्तन के साथ बाबा को आस जगती हुई दिखती, लेकिन दुर्भाग्य से इस सत्ता में सिर्फ अधिपति बदले, न तो परिस्थितियां बदली, न तो भूख और बदहाली कम हुई। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नब में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, नब में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक,
उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह बंदूक और ज्यादा स्पष्ट दिखने लगी। 70 के दशक के मध्य में विरोधियों की आवाज को घोटा जाने लगा, आपातकाल लागू कर दिया गया, किसी को गिरफ्तार किया जाने लगा तो किसी को नजरबंद किया जाने लगा, अखबारों को नियंत्रित किया गया। अपने विरोधियों और प्रतिद्वंदियों के दमन चक्र को इंदिरा जी जिस ताकत से अंजाम दे रही थी उसे देखकर कई तरह की चिंगारियां सुख भुगाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ बाबा नागार्जुन जैसे फक्कड़ कबीर के वंशज कोई भी बात सीधे सीधे अभिधा में कहने से बिल्कुल नहीं कतरा रहे थे। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया बोर दिया बाप को, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। बहरहाल राजनीति और समाज पर बाबा की शाब्दिक चोट जारी रही। जिस इंदिरा गांधी में बाबा को एक नई जागृति की उम्मीद दिखाई देती थी वो धीमे धीमे ध्वस्त होने लगी। उन दिनों इंदिरा जी की नीतियों के खिलाफ जो आवाज सबसे मजबूत बनकर भारत में उभर रही थी वो थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। बाबा ने जेपी का जमकर समर्थन किया। पटना के चौराहे पर साहित्यकारों को लेकर बाबा बैठ गए। यहां तक कि बाबा ने अपनी एक महत्वपूर्ण कविता में भारत माता के जिन 5 पुत्रों का संभवतः जिक्र किया है उनमें पंडित चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना और नेहरू के आगे आलोचक मानते हैं कि वो 5वें पुत्र जेपी ही हैं। 5 पुत्र भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक अब बाकी बच गए 2। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया 1। 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति की मशाल को लेकर मार्च तो कर दिया, लेकिन यह मशाल जब राजनीतिक पार्टी बनने की कगार पर आई तो उन अनिर्णय में कांपते हुए हाथों ने इसे ठंडा कर दिया। जेपी की ढलती उम्र और जनता पार्टी के नीचे के कैडर में अंदरूनी राजनीति और अनिर्णय जैसी परिस्थितियों की वजह से यह क्रांति भी देश का परिवेश पूरी तरह नहीं बदल पाई। हर सपने का एक एक कर ढह जाना बाबा को सालता रहा। भारत का लोकतंत्र एक अजीब सी व्यवस्था बनकर रह गया जहां राजनीतिक दंभ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दीमक लोकतंत्र को खोखला करने लगे। अखबार के संपादकीय में उम्मीद ढूंढने वाले बाबा भारतीय लोकतंत्र की गिरती साख से दुखी रहने लगे। बाबा नागार्जुन ने अपनी मंत्र कविता में तो जैसे इस पूरी भारतीय राजनीति के चरित्र का रेखांकन कर दिया है। कई दशकों तक राजनीति के इस जोड़ तोड़ को समेट कर एक निचोड़ सा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मंत्र शब्द से एक ऐसी कविता की रचना की जो भारतीय राजनीति के चरित्र को आपके सम्मुख लाती है। ओम अंगीकरण, शुद्धिकरण, राष्ट्रीयकरण, ओम मुष्टिकरण, तुष्टिकरण, पुष्टिकरण, ओम ऐतराज, आक्षेप, अनुशासन, ओम गद्दी पर आजन्म वज्रासन, ओम ट्रिब्यूनल, ओम आश्वासन, ओम घुटनिरपेक्ष, सत्ता सापेक्ष, जोड़ तोड़, ओम छल छंद, मिथ्या होड़म होड़, ओम बकवास, ओम उद्घाटन, ओम मारण मोहन उच्चाटन। लेकिन इन सब के बीच अंधेरे में आशा का एक जुगनू भी प्रकाशित हो जाता तो बाबा के अंदर की शिशुता उत्साह में बदल जाती। बाबा इस देश के अंतिम आदमी को सुखचैन की नींद सोते हुए देखना चाहते, इसलिए बाबा ने किसी भी पंथ से परहेज नहीं किया। उनका मानना था कि जिस भी तरह इस देश के गरीब को रोटी मिल जाए वो जायज है। इसके लिए वे कई बार सशस्त्र क्रांति और नक्सलवाद तक के विचारधारा के साथ खड़े नजर आते हैं। इस बात को लेकर उनकी आलोचना भी हुई कि वो किसी एक विचारधारा के साथ टिक नहीं सकते। पहले आप गांधी नेहरू विचारधारा के समर्थक थे, फिर आपने नेहरू जी का घोर विरोध किया, इसके बाद आपने इंदिरा जी के समर्थन में उन्हें बाघिन तक कहा, फिर उनके भी विरोधी हो गए, जेपी आंदोलन का समर्थन किया,
फिर उससे भी मुंह मोड़ लिया। बीच में आपने मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन किया, उससे जुड़े, फिर उससे भी रुष्ट हो गए। तो बाबा कहीं ना कहीं एक जगह ना जुड़े रहने की जो बेचैनी है बाबा, ये आपकी विचारधारा को ना स्पष्ट नहीं होने देती। मेरे जीवन की एक ही विचारधारा है, जनवाद। जनता का लाभ, गरीब के लिए 2 जून की रोटी और देह ढकने के लिए कपड़ा, किसी भी विचारधारा से आए वही मेरी विचारधारा है। मुझे जहां भी इसकी उम्मीद दिखी मैंने उनका समर्थन किया, लेकिन सब ने मेरा मन खराब किया, सब खोखले निकले। आज भी यदि कोई नवयुवक आ जाए और गरीब की रोटी के लिए इंतजाम कर दे तो मैं तो उसके साथ भी चल पड़ूंगा, यही मेरी विचारधारा है। बाबा ने अपने जीवन के अंतिम समय तक भारतीय राजनीति में चल रही उथल पुथल और उसके मलबे में दबकर दफन होते जा रहे सच्चे स्वराज के सपने को कविता में बांधना जारी रखा।